पर आपने आपने गवाही सुनी होगी पर पॉइंट आप नोट नहीं करते। जब मैंने इस गवाही को सुना तो मैंने पॉइंट नोट किया। सबसे पहले जिस परमेश्वर ने इनके लिए 80,000 रुपए का इंतजाम किया, लिखा इन्होंने उन पैसों से सबसे पहले किसका आदर किया? परमेश्वर का। बोलो, क्योंकि लिखा जो उसे देता है उसे कोई घटी नहीं। इस बहन का नाम गुरजीत कौर है और जे मल्लूवाल गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि इस बहन को जहां आते हुए सिर्फ अभी 6 महीने हुए हैं और जैसे जे मीटिंग में आ रहे थे और जे बता रही कि इनके घर तो बना था और काफ़ी लंबे समय से बताते कि इनके घर में पेंट नहीं हुआ था और इनका बहुत मन था कि परमेश्वर जी मुझे भी पेंट करवाना है और आप मेरे लिए पैसों का इंतज़ाम कर चुके हो। और जैसे जी प्रार्थना में बने रहे और परमेश्वर ने जो बता रहे कि 80,000 रुपये का इंतज़ाम किया, जितना भी इनके घर का पेंट हुआ था वो 80,000 रुपये इनका लगा और उससे भी इन्होंने परमेश्वर का आदर किया था, उससे भी इन्होंने परमेश्वर का दसवां निकाला था और परमेश्वर इनको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे घर का पेंट हो गया उससे 2 महीने बाद इन्होंने परमेश्वर के घर में संगति करवाई बहुत अच्छे तरीके से, प्लस साउंड म्यूजिशियन और पूरी वर्शिप टीम को बुलाकर बहुत अच्छे से इन्होंने अपने घर में संगति करवाई। और उसके लिए भी इन्होंने बताया कि परमेश्वर ने 50,000 रुपये का इन्होंने अरेंजमेंट किया। इनके मन में था कि जितना भी खर्चा हो परमेश्वर आप सब कुछ मेरे लिए कर चुके हो, तो जब बता रहे कि इनके पास 50,000 रुपया था पर उससे भी परमेश्वर इनको ब्लेस किया, सिर्फ 40,000 रुपये में पूरा खर्च हुआ और उससे 10,000 भी परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, प्लस कुछ पैसे इनके रुके हुए थे और उसी दिन जिस दिन उन्होंने संगति करवाई 4,000 रुपया प्लस वो भी इनको मिला। जब बता रहे कि उस दिन परमेश्वर ने इनको 14,000 के साथ ब्लेस किया था और साथ में जैसे इन्होंने परमेश्वर ने अपना इन्होंने अपना मान दिया तो आज इन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए भी परमेश्वर ने इनको 50,000 रुपया दिया है और आज परमेश्वर के लिए इन्होंने भवन के लिए 50,000 दे दिया है। और जो बता रहे कि जो परमेश्वर की ब्लेसिंग और आशीष है कि सचमुच परमेश्वर को हम थोड़ा देते पर परमेश्वर हमारी सोच से भी ज़्यादा करते हैं। जब बताते हैं कि मुझे कभी भी जिस समय से मैं इस मीटिंग में आ रही हूँ 6 महीने हो गए, मेरे घर में एक भी दिन पैसों की कमी नहीं आई, मैंने जितना भी अगर मैं कम बोती हूँ तो परमेश्वर मुझे उसी दिन ही ब्लेस कर देते हैं और जो बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये बता रहे कि जब इन्होंने घर में संगति करवानी थी उससे थोड़े दिन पहले ही इनके बेटे के पास फोन नहीं था, परमेश्वर ने फोन के साथ भी उसे ब्लेस किया है। और इन सब आशीषों के लिए जो परमेश्वर का थैंक्स करते हैं और इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम सब तारीफ करेंगे। बताओ क्या क्या नाम है आपका सिस्टर, क्या नाम है आपका? जय मसीह के जी। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत। आपको यहाँ पे आते हुए कितना टाइम हुआ? 6 महीने पापा जी। अभी सिर्फ 6 महीने में। बताओ इनकी थोड़ी सी गवाही मुझे, क्या कह रहे थे? तो प्रेरित जी इनकी गवाही जे थी जो बता रहे कि जो 6 महीने से जहाँ मीटिंग में आ रहे हैं और इनके घर का काफी लंबे समय से पेंट नहीं हुआ था, पेंट नहीं हुआ था एक, और जिसके कारण इनकी बहुत चाहती कि इनके घर का पेंट हो जाए और उसके लिए जो बता रही कि जी चाहत की तो परमेश्वर इनके लिए 80,000 का 80,000 रुपए का इंतजाम किया जी। हाँ, अब जो चाहते हो परमेश्वर इंतजाम ही खुद आए। 80,000 का इंतजाम किया, पर आपने आपने गवाही सुनी होगी पर पॉइंट आप नोट नहीं करते। जब मैंने इस गवाही को सुना तो मैंने पॉइंट नोट किया। सबसे पहले जिस परमेश्वर ने इनके लिए 80,000 रुपए का इंतजाम किया, लिखा इन्होंने उन पैसों से सबसे पहले किसका आदर किया? परमेश्वर का। बोलो, क्योंकि लिखा जो उसे देता है उसे कोई घटी नहीं है। भाई में लिखा दाऊद कहता जवान सिंहों की घट, जवान सिंहों को मतलब समझते हैं, शेरों को घटी हो सकती है जो जवान होते हैं, क्योंकि शेर जब बूढ़ा हो सकता है, बूढ़ा हो जाता ना तो वो शिकार नहीं कर सकता। लिखा जवान सिंहों को शेरों को घटी हो सकती है पर जो मेरे तालिब हैं, जो मेरे खोजी हैं, जो मेरे वचन को मानते और पूरा करते हैं उन्हें कोई घटी नहीं। बोलो क्या है? कोई घटी नहीं है।
अरे क्या हुआ आगे उन पैसों से क्या हुआ फिर? और जैसे इन्होंने परमेश्वर का आदर किया तो मुझे बता रहे कि उसके बाद इन्होंने अपने घर में मीटिंग करवानी थी और मीटिंग करवाने से पहले इनके बेटे के पास फोन नहीं था, परमेश्वर ने पहले उसको फोन के साथ ब्लेस किया और उसके बाद जब बता रहे कि इन्होंने मीटिंग के लिए परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मुझे अच्छी तरह से मीटिंग करवानी है, इन्होंने साउंड मजिशियन प्लस वर्शिप टीम के साथ अच्छे से मीटिंग करवाई, उसके लिए इन्होंने 50,000 का इन्होंने बताया कि परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया जिसमें से इन्होंने बताया कि सिर्फ 40,000 रुपया ही परमेश्वर ने उस मीटिंग में खर्च हुआ और उससे इनको 10,000 भी बचा और किसी से इन्होंने पैसे लेने से काफी लंबे समय से और उसी दिन ही 4,000 रुपया उससे भी इनको मिल गया और टोटल 14,000 के साथ जे ब्लेस हुए। उस 14,000 से अरे 50,000 रुपया था, फिर परमेश्वर ने 10,000 की बचत की, फिर 4,000 किसी से लेने वो भी 14,000 से फिर परमेश्वर ने ब्लेस किया, फिर आगे क्या? और जैसे जब बता रहे कि उससे ब्लेस किया और इनका मान था कि परमेश्वर के भवन के लिए भी इनको बोना है तो आज परमेश्वर के भवन के लिए उन्होंने 50,000 दिया है और जे भी परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया, किसी से इन्होंने उधार नहीं लिया। तारीफ करो, तारीफ करो। सुनो सुनो, जो देना जानता वो लेना भी जानता है, जो देना जानता नहीं ना, इसीलिए लिखा यीशु ने कहा मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक उसका मन धन पर रहेगा और एक मन उसका परमेश्वर पर रहेगा, वो दोनों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से प्यार रखेगा और दूसरे से बैर, ऐसा उसने कहा। हाँ, आपने दोनों को चूज करना है, चुनना है आप किसे प्रेम करते हैं, बोलो, ये आपने फैसला करना है, मैंने किसी को किसको प्रेम करना है, समझ आ रही है? और वही कर सकता है जो सच्चा है, जो जिसने हृदय से उसे ग्रहण किया है, बातों से नहीं। इसलिए उसने कहा मुंह से तो बहुत कहते हैं मैं तेरा प्रभु हूं, क्योंकि पैसे से आपका प्रेम परखा जाता है। बोलो क्या है? उसने अपना प्रेम अपनी तन की कोड़ों की मार से दिखाया, अपना लहू बहाकर दिखाया उसने अपना प्रेम, क्योंकि पैसों से प्रेम परखा जाता है। बोलो अपने गवाह पड़ोसी को, बोलो पैसे से तेरा प्रेम परखा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, शर्मा रहे हो भाई? मैंने कहा आज बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो अपने पड़ोसी से कि पैसे से उसका प्रेम परखा जाता है, बोलो एक दूसरे को, क्योंकि अगर आप आज हृदय खोलोगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी, सुनो, परमेश्वर कभी भी किसी का लेकर रखता नहीं है। बोलो वो रखता है किसी का, उसे कुछ चाहिए, बोलो उसे कुछ चाहिए, हम दे सकते हैं, हमारी है ये हैसियत है हम उसको दें, पर ये नियम इसलिए खुदा ने ठहराया आपके लिए कि आपका प्रेम परखा जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। जब यीशु मसीह को उसने परखा तो उसने पहले रोटियों की बात कही, फिर उसने कहा कि तेरे विषय लिखा है कि तू यहां से गराएगा, तुझे दूत उठाएंगे, उसने फिर वचन से जवाब दिया, तीसरी बार उसने अपना सबसे बड़ा हथियार छोड़ा शैतान ने, वो क्या था? पैसों का, कि जगत की पातशाहियां मुझे सौंपी गई, दी गई है, अगर तू मेरे आगे झुकेगा मैं तुझे दूंगा। बोलो क्या है? लोग झुक जाते हैं, बोलो क्या कर रहे हैं? सैकड़ों काम लोगों के जो परमेश्वर से वो कराना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में करे, इसलिए कहा कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। सैकड़ों काम लोगों के रुके हुए अपने खुद के कारण, अपने खुद के कारण। इसलिए प्रेरित पॉल ने क्यों ऐसे कहा, मेरी ये प्रार्थना मेरी चाहत है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो जाएं, तुम्हारी मन की आंखें खुल जाएं, ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारी बुलाहट क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। बोलो क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? जिसने तुम्हें बुलाया वो तेरा पैसा नहीं, वो तेरा जीवन चाहता है। अरे खरबों का स्वर्ग आपके लिए तैयार है, मैंने कहा खरबों का स्वर्ग आपके लिए तैयार है। लिखा वहां पे सोने की छड़कें होंगी जिस पर आप चलोगे। किस पैसों की बात कर रहे हो? सोने की छड़कें होंगी जिस पर खुदावंद आपको चलाएगा, और आप अपने मूल्य को अपनी वैल्यू को जानते नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने मूल्य को वैल्यू को जानते नहीं। मैं मसीह में कौन हूं लोगों को पता नहीं है, अगर उन्हें पता हो तो वो प्रेम करे, उसकी हर आज्ञा को री, उसकी हर बात को माने। आमेन। प्यारो प्यारो, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं खुदावंद आपकी हृदय की आंखें खोल चुका है।
मैं कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं आपके हृदय की आंखें आज वो खोल चुका है। तारीफ करो दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर दिल से। अरे प्रेम करती है तो नाचोगे फिर। मैं बोले नच 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 यीशु रे, मैं बोले नच 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 यीशु रे, मैं बोले नच नच। ये प्रेम है। आप गरीब नहीं हो, मैंने कहा आप गरीब नहीं हो, आप राजाओं के राजा की संतान हो, आप राजाओं के राजा की संतान हो। यीशु जो तो आलू मुझका दोही आवा, मैं बोले नच 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 यीशु रे, 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 मैं बोले नच 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 यीशु रे। नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मना। आमीन।